हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक इट। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में नाउन से शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है आपका नाउन, ठीक है। आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है नाउन। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो एक बार जाके ज़रूर देख ले, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपको बहुत ईजी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा दिया गया है उसमें, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमसे बताएं, लेकिन एक बार पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो आपका आज का टॉपिक है नाउन। नाउन के बारे में तो हम लोग छोटे से पढ़ते आए हैं। अगर परिभाषा देखें तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये परिभाषा छोटे से जल्दी चली आ रही है। हम लोग ने परिभाषा तो याद की है, रट लिया है, ठीक है, समझा नहीं है। नाउन क्या है आपका? पूरी दुनिया में जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ नाउन है। किसी भी का भी नाम लेंगे आप, नाउन है। ये पेन नाउन है, ये बोर्ड नाउन है, ये डस्टर नाउन है, लाइट नाउन है, ठीक है। आपकी कुछ भी चाय नाउन है, कॉफ़ी नाउन है, पूरी दुनिया आपकी नाउन है। नाउन का मतलब क्या? किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। किसी भी चीज़ का नाम आपका नाउन कहलाता है। दिल्ली नाउन है, कानपुर नाउन है, ठीक है। कोई भी नाम लेंगे आप तो वो नाउन है, यानी पूरी दुनिया नाउन है। नाउन का मतलब है आपका एवरी थिंग। नाउन का मतलब क्या? एवरीथिंग, सब कुछ, और या एनी थिंग। नाउन का मतलब एवरीथिंग या एनीथिंग, ठीक है। इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब कुछ नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। मेरा नाम रवि है, मेरा नाम रवि। रवि क्या है? नाम है। और ये क्या है? नाउन है, ठीक है। आपका नाम जो है, कुछ भी हो, वो आप क्या है? नाउन है, समझ गए। बहुत इजी तरीका है आपको। नाउन का मतलब है किसी भी चीज़ का नाम, ठीक। अब नाउन की परिभाषा देखते हैं। नाउन की आपकी क्या परिभाषा है? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। देखो इसमें सारी चीज़ आ गई। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ठीक है। पर्सन में क्या है? आपका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे राम ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, रवि ले लीजिए, ये आपके क्या हो गए? पर्सन हो गए, ठीक। प्लेस, आगरा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, कुछ भी हो सकता है, ये आपके प्लेस हो गए। थिंग, पेन, टेबल, पेन टेबल, कुछ भी, ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी में क्या है आपका? ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी। क्वालिटी उसकी कैसी है? वो बहुत ईमानदार है, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन में क्या है? इलनेस, कंडीशन कैसी है उसकी? बीमार है वो, ठीक है। और एक्शन, एक्शन क्या है आपका? मूवमेंट, किसी भी तरह का एक्शन, एक्शन जैसे हो गया आपका मूवमेंट, ठीक है। तो परिभाषा से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें सारी चीज़ें हैं, मतलब इस दुनिया की सारी चीज़ें, आपकी सारी चीज़ों का नाम आपका नाउन कहलाता है। इसमें देखो लिखा ही हुआ है ए नाउन इज़ द नेम, ठीक है। किसी भी चीज़ का नाम आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। उसमें आपका पर्सन भी हो सकता है, राम, रवि, कोई भी नाम, प्लेस, आगरा, कानपुर, थिंग, पेन टेबल, ठीक है, चेयर, क्वालिटी, हॉनेस्ट, हॉनेस्टी, हॉनेस्ट है वो, ठीक है। कंडीशन, इलनेस, ठीक है, बीमार है वो, सिक है। एक्शन, मूवमेंट, मतलब किसी तरह का मूवमेंट हो रहा है एक्शन में, ठीक। इतना आपने सीख लिया, नाउन की परिभाषा सीख ली। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन में आप देखिए नाउन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे आप बुक में देखेंगे तो वो बोल देगा नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मगर हम इसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं।
एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल, मतलब गणनीय संख्या और अगणनीय, दो तरह से। काउंटेबल का मतलब समझ में आ रहा होगा, जिस नाम की हम गणना कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, काउंटेबल। जैसे आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन, इसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, इसको हम कहते हैं समूहवाचक, ठीक है, इसकी हिंदी नहीं लिखी थी तो वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। गणना कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम है तो हम उसकी तो गणना कर सकते हैं ना। कॉमन नाउन में भी आपका क्या होता है कि व्यक्ति के बारे में ही बताया जाता है, लेकिन वो कॉमन होता है, यानी सबका, जैसे लड़के हैं, मैं भी लड़का हूँ लेकिन बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, तो अगर हम लड़के वर्ड का यूज करते हैं तो वो कॉमन नाउन में आता है, यानी सबके लिए समान वर्ड यूज हुआ लड़के, ठीक है, तो इसको भी काउंट किया जा सकता है, तो ये आपका काउंटेबल नाउन है। समूह, समूह में कितने लोग हैं किसी भी समूह में, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, समूह में कितने भी लोग हैं उनको भी काउंट किया जा सकता है, तो ये आपके आते हैं काउंटेबल नाउन में, ठीक है, गणनीय संज्ञा में। अनकाउंटेबल, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक, हम नहीं पता लगा सकते हैं ये कितने हैं। मटेरियल, इसमें पहला है आपका मटेरियल, मटेरियल नाउन, ठीक है, कोई भी मटेरियल है तो क्या हम उसको पता, उसकी गणना कर सकते हैं क्या, ठीक है, जैसे आपका सोना है वो तो किलो में होगा ना, ग्राम में होगा, वो इतना थोड़ी होगा कि एक सोना दे दो, दो सोना दे दो, वो तो किलो और ग्राम वगैरह में होगा ना आपका, ठीक है। भाव, किसी के भाव को क्या आप गणना कर सकते हैं, मेरे मन में क्या है, या कोई भाव का नाम ले, चाइल्डहुड, ठीक है, उसकी गणना की जा सकती है क्या, नहीं की जा सकती, तो ठीक है, आप समझ गए हमने नाउन को किस तरह बांटा, दो तरीके से, पहला आपका काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल, ठीक है। जो आपके काउंटेबल थे उसमें आता है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो आपका जो अनकाउंटेबल नाउन था, ठीक है, उसमें क्या है, पहला है आपका मटेरियल नाउन और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये तो आप याद कर सकते हैं, अब सिंपल तरीका है। नाउन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक, काउंटेबल अनकाउंटेबल, यह जो आपका काउंटेबल है उसके तीन प्रकार हैं, ठीक है, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, जो आपका अनकाउंटेबल है मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, याद हो गया ना काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम इनके बारे में सीखेंगे क्रम से कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टेड नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इनके बारे में हम सीखते हैं एक एक करके। तो प्रॉपर नाउन देखिए आप क्या है, प्रॉपर नाउन की पहले परिभाषा देखिए, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है, हिंदी में समझेंगे इसको, किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है विशिष्ट, ठीक है, प्रॉपर यानी कोई विशिष्ट व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या कोई विशिष्ट स्थान हो, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अगर इसको सीधी भाषा में कहा जाए तो किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे जैसे आपका नाम लिखा है सुजीत, तो सुजीत नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या ये प्रॉपर नाउन हुआ क्या, सुजीत नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये तो डुप्लीकेट बन गया। और मैंने कहा है कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, कोई भी प्रॉपर नाउन का डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। देखो सुजीत नाम तो और हो सकते हैं, लेकिन क्या वो पर्सन और हो सकता है, जिसका नाम सुजीत है वो हम किसी स्पेशल पर्सन को कह रहे हैं, विशिष्ट पर्सन को कह रहे हैं, क्या उसका दूसरा बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। तो नाम तो दूसरा हो सकता है, ठीक है, नाम तो दूसरा, पता चला कानपुर कहीं और जगह भी है,
ठीक है, तो नाम तो दूसरा हो सकता है, लेकिन मैंने जिस कानपुर की बात की है, जिस विशिष्ट कानपुर की बात की है, क्या वो कहीं और जगह हो सकता? नहीं हो सकता ना। तो इस प्रॉपर नाउन का सीधे सीधे मतलब क्या है? इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता या नहीं बन सकता, आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। और आपको परिभाषा तो दी है, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर पर्सन की बात की जाए, कोई भी पर्सन है तो उसका नाम सुजीत, अजीत, सीमा, रवि, श्याम, याम, कुछ भी, प्रॉपर प्लेस है मुंबई, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कुछ भी, ठीक है, प्रॉपर प्लेस का नाम होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कह देंगे कि विलेज या सिटी या टाउन, वो आपका कॉमन में चला जाएगा। ठीक है, उसका नाम होना चाहिए। जिस सिटी का बारे में बात कर रहे हैं आप, उसका प्रॉपर नाउन, नाम, नाम क्या? मुंबई, क्या? कानपुर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब प्रॉपर थिंग में देख लीजिए, रामायण, गीता, अगर आप इसकी जगह बुक्स लिख देंगे या बुक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉमन में चला गया ना, प्रॉपर नाम, समझ गए होंगे। हमको किसी भी चीज़ का नाम अगर मिलता है, विशिष्ट नाम उसका, तो वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है, और ये डुप्लीकेट नहीं बनाए जा सकते हैं इसके, यानी इकलौता है, ये अपने पिता का इकलौता बेटा है। ठीक, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। इसके कुछ कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है, नोट कर सकते हैं आप, इसको नोट डाल के लिख सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है। ये तो आपको पता है, किसी का भी नाम होगा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा। ठीक है, कोई जगह का नाम होगा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा। ठीक, तो इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन या दूसरा नोट क्या है आपका, कि इसका प्रॉपर नाउन का प्लुरल बहुवचन नंबर नहीं बनाया जा सकता, प्लुरल नाउन नहीं बनाया जा सकता। कैसे, क्या करेंगे, मुंबईस करेंगे, क्या करेंगे? नहीं कर सकते, यानी इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। क्या है कंडीशन? प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अब अगली चीज़ है आपकी नंबर तीसरा या नोट्स, इसमें है आपका प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल जानते हैं, ए एन द वगैरह, किसी भी के पहले इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ए सुजीत होता है क्या? द सुजीत होता है? द अजीत होता है? एन अजीत होता है? नहीं होता ना। ए मुंबई, ठीक है, एन मुंबई, नहीं होता ना। तो किसी, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, समझ गए। अब अगली चीज़ देखें, बस ये तीन कंडीशन है आपकी। पहली क्या, पहली कंडीशन है कि इसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, दूसरा इसका प्लुरल नहीं बनाया जा सकता, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तीसरा है आपका इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीनों चीज़ें समझ गए। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एक ये लिखा है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें आपका प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या क्या है इसमें बताइए। देखिए, एक तो आपका पहला न्यू दिल्ली नाम है ना, विशिष्ट सिटी का नाम है न्यू दिल्ली, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इंडिया, ये देश है जो आपका इंडिया, ये एक विशिष्ट है ना, इकलौता देश है इंडिया, तो क्या आएगा? प्रॉपर नाउन। वैसे भी जो देश होंगे, जो देश के नाम होंगे, वो सारे प्रॉपर नाउन में ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए, कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। ठीक है, जो कालिदास हैं, ये भी आपका एक नाम है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, और संस्कृत सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ संस्कृत, ठीक, तो वो आपका किस में चला गया? प्रॉपर नाउन में। तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया, बस इतना आपको याद रखना है, इसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता। ठीक है, तो अपने आप आपको दिमाग में आ जाएगा। अब चलते हैं आप दूसरे में, कॉमन नाउन में। तो कॉमन नाउन की परिभाषा देख लीजिए। कॉमन नाउन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग। कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स, यह अपने, हिंदी में इसको समझिए, यह अपने वर्ग या किस्म की समस्त सामान वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे
कॉमन का मतलब अगर मेरे लिए बॉय यूज हो रहा है तो कोई दूसरा लड़का खड़ा है उसके लिए भी बॉय यूज होगा, तीसरा खड़ा है उसके लिए भी बॉय होगा, ठीक है। तो सबके लिए एक कॉमन वर्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। यह अपने वर्ग या किस्म, ठीक है, अपने वर्ग के, जैसे आप लड़की हैं तो कोई और लड़की है तो उसके लिए लड़की ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका नाम ले लेंगे, जैसे आपका नाम सीमा है तो आपका नाम ले लिया मैंने, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैंने आपके लिए गर्ल्स यूज किया, गर्ल यूज किया, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है, सभी के लिए एक सा नाम। इसमें देखिए एग्जांपल देखिए आप, क्या है कॉमन पर्सन के लिए मैन, आदमियों के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैन यूज करते हैं, वूमेन, किंग, बॉय, ठीक है। प्लेस के लिए टाउन, स्कूल, जितने भी स्कूल हैं हम सारों के लिए स्कूल ही बोलते हैं ना, सबको स्कूल ही बोलते हैं, ठीक। बुक, टेबल, थिंग में आ गया आपका। ये तो बहुत सिंपल था ना कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को अगर छोड़ दें और उसकी जगह पे कोई एक वर्ड यूज करें जो सबके लिए यूज होता है, ठीक है, सब जाति के लिए एक ही नाम जो यूज होता है वो आपका क्या कहलाता है, कॉमन नाउन, ठीक है। इसमें क्या है आपका, वो आपका था जो प्रॉपर नाउन था, मैंने बताया था कि उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इसमें बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है। एक नोट आपका ये है कि इसमें बहुवचन बनाया जा सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, यानी एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, मैन का मैन, ठीक है, और आपका बुक का बुक्स, ठीक है, यानी बहुवचन भी हो सकता है और एक वचन भी हो सकता है। इसमें आर्टिकल का यूज हो सकता है, ठीक है, इसमें आर्टिकल का यूज हो सकता है, ठीक है। इतना आपके लिए सही है कॉमन नाउन, समझ गए होंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में लोग कंफ्यूज होते हैं, ये अंतर आपको पता चल गया। अब चलते हैं हम तीसरे नाउन में, इसके काउंटेबल में तीसरे नाउन पे, कलेक्टिव नाउन। तो अब आते हैं कलेक्टिव नाउन पे, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी परिभाषा देखें, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। हिंदी में अगर इसको कहें, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स और प्लेयर्स, ये भी तो समूह हैं, तो ये भी आना चाहिए आपके कलेक्टिव नाउन में। सिर्फ बस इतना अंतर समझ लीजिए, आपका ख़त्म पूरा नाउन, ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी आज के बाद। स्टूडेंट्स और प्लेयर्स, ये भी तो समूह हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं, तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन में आना चाहिए। पर ऐसा है क्या, ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं, ये किस में आते हैं, ये प्लूरल कॉमन नाउन में आते हैं, ठीक है, ये बहुवचन है किसका, कॉमन नाउन का। अगर ये बहुवचन है कॉमन नाउन का, तो फिर आप कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन में क्या आते हैं। समूहवाचक में आपके कौन से आएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो प्लूरल कॉमन नाउन है, इसका जो हम नया नाम देंगे, ठीक है। हमने दिया एग्जांपल में क्या, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट तो इसमें क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, लेकिन जो हमने इसका नाम दे दिया एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आपका चला गया कलेक्टिव नाउन में। इसका कहने का मतलब है कि प्लूरल कॉमन नाउन से जो नया वर्ड बनता है, यानी जो नया वर्ड हम इसको देते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्लियर है ना पूरी तरीके से, कलेक्टिव नाउन क्या है आपका, जो कॉमन नाउन है इसके जो हम इसको जो हम नया नाम देते हैं, ठीक है। जैसे हमने दिया ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, इसमें प्लेयर्स देखेंगे तो ये तो आपका कॉमन नाउन है बहुवचन में, ठीक है, लेकिन जो हमने इसका नाम दे दिया ए टीम, ठीक है, ए टीम ऑफ प्लेयर, ये क्या हो गया अब आपका, ये पहुंच गया आपका
कलेक्टिव नाउन में, तो इन दोनों नाउन में कन्फ्यूजन नहीं होना। तीनों के तीनों नाउन आपको बता दिए इस तरह के, काउंटेबल नाउन तीनों, इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये आपका बनता किससे है, कलेक्टिव नाउन, ये आपका कॉमन नाउन से ही बनता है, ठीक है। बस उसको नाम दे देते हैं, दूसरा जो नया नाम देते हैं उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और समूह का मतलब है कि आपके इसमें बहुत सारे लोग होने चाहिए, ठीक है। जैसे ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी बुक हैं, ठीक है। तो समूह दिखा रहा है, समूह को प्रदर्शित करता है, और प्लूरल कॉमन नाउन का ही ये पार्ट होता है या नया नाम होता है, बस, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अपने अनकाउंटेबल, ठीक है, आगरणीय संज्ञा पर। तो उसमें आपका पहला था, पहला मैं लिख देता हूँ, मैं लिख इसलिए देता हूँ बार बार पहले ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और बोर होंगे आप, अगर मैं लिखूँगा तो वीडियो लंबा होगा, कोई मतलब नहीं करने का, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ, नहीं तो मुझे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपका अब है मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, परिभाषा देखें आप, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, बहुत छोटी सी परिभाषा है। हिंदी में कहेंगे किसी धातु के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहते हैं। आपको इसका नाम देख के ही पता चल रहा है कोई भी मटेरियल है। अच्छा एक चीज़ और देखिए आप, ये जो द्रव होता है ना, इसमें क्या होता है आपका, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों चीज़ें होती हैं। तो मटेरियल नाउन आपका क्या होगा, तीनों चीज़ें आएंगी उसमें, ठीक है, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगी, कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, एग्जांपल भी है, गोल्ड, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, इनका क्या है, काउंट नहीं किया जा सकता। हमने बताया इनको तौला जा सकता है लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता है। अब ये कहेंगे टी और कॉफ़ी, सर हम वेटर से कहते हैं एक कॉफ़ी ले आओ, ठीक है, तो क्या उस कप में जो कॉफ़ी है उसको काउंट किया जा सकता है क्या, कप में जो कॉफ़ी है या चाय है उसको काउंट किया जा सकता है क्या, वो तो एक तौल में होगी ना। तो क्या है आपका, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, ठीक है, आगरणीय है, और ये सारी चीज़ें किस में आती हैं आपकी, मटेरियल यानी किसी वस्तु में आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीज़ें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मटेरियल नाउन छोटा सा है, इसको देखते ही आप पहचान लेंगे ये कौन सा मटेरियल नाउन है, ठीक। अगले पे चलते हैं। तो अब आपका है लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी परिभाषा क्या है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, ठीक है। हिंदी में देखेंगे इसको तो किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक या अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसको भी आप वर्ड को देखते ही समझ जाएंगे, कोई भी नाम को देखते ही समझ जाएंगे, विजडम, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, सिकनेस, ठीक है, बीमार, ये भाव में आ रहा ना, कोई बीमार है, ये सब आपके भाव में आ रहे हैं, कोई ईमानदार है, ईमानदारी है, ये सब भाव में आ रहे हैं ना आपके, या किसी का गुण है, ईमानदारी तो गुण हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखते ही पहचान लें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। आप कन्फ्यूज किस में होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में। तो वो तो मैंने आज आपको बता दिया बहुत अच्छे से, जिसने भी वीडियो देखा है तो उसका नाउन में तो कन्फ्यूजन होगी नहीं आज के बाद, ठीक है। और हम इसके प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, अभी वीडियो में दे देंगे आपको, या टेलीग्राम में दे देंगे, या इंस्टाग्राम में, जहां आप कहेंगे वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा आपका, लगा लीजिएगा, और इसमें तो आप कन्फ्यूज होंगे नहीं। अगर आप फिर भी कन्फ्यूज हैं तो आप हमें बताएं, कमेंट्स करें, या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखे जाके, वो इम्पॉर्टेंट है, और आपको हंसी मजाक में ही समझ में आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पूरी फैमिली है वो, और उस फैमिली को कैसे हम समझते हैं, ठीक है, और कैसे याद करते हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लें जाके, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है आपका, सारे नाउन ख़त्म हो गए, अब आगे चलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।